एथिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपने पढ़ा होगा। तो डिसोनेंस क्रिएट कौन करता है? अभी आप क्या कहते हैं, आपको घर में सिखाया जाता है विमेन की रिस्पेक्ट करनी है, फिर आप बॉलीवुड के गाने सुनते हो तो कहीं कोई फेविकोल से उसको कंपेयर कर रहा है, कोई लॉलीपॉप से कंपेयर कर रहा है। अब आपके अंदर डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है कि मुझे करना क्या है भाई, ये तो बताओ रिस्पेक्ट करनी है कि नहीं करनी है। एक्स का जो एड दिखाते हैं ना, एक व्यक्ति तो उस पर बहुत नाराज हो गया था, आप उसको लोग उसका किस्सा जानते हैं कि नहीं? उसने मतलब जो कंपनी है, हाँ डियो की कंपनी के ऊपर उसने केस कर दिया था कि वो 6 सालों से ऐसे ऐसे करके डियो लगाता है लेकिन उसके पास भागकर लड़कियां नहीं आती हैं। तो इससे उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई है, वो इस बात से बहुत मेंटली टॉर्चर हुआ है और बहुत दुखी है। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट ने उसे बहुत परेशान किया है और वो कंपनी को सू करता है।